मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना किसानों से संवाद कर चुके हैं। इस दौरान ही सीएम योगी ने कहा कि पहले चीनी मिल बंद सी हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिल मुश्किल से चल पा रही थी। उसके बाद में उन पर 2010 से लेकर के 2017 के बीच में गन्ने का बकाया था। आज हमारी सरकार में 120 चीनी मिल प्रदेश में चल रही हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हमारी चीनी मिल चल रही हैं। 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कदम को आगे बढ़ाया। 17 के पहले प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, कर्ज ले रहा था, न उसको बिजली मिलती थी, न खाद मिलती थी, न बीज मिलता था, न सिंचाई की सुविधा थी और न ही सुरक्षा थी। बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल चलाता था, डीजल ज्यादा खर्च होता था, लागत ज्यादा आती थी और रात्रि को खेत में गए तो जीवन को खतरा अलग था, नहीं गए तो पंप चोरी हो जाता था, चीनी मिलें बंद सी हो गई थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिलें बामुश्किल चल पा रही थी और उन पर भी सन 2010 से लेकर के 2017 के बीच गन्ना मूल्य का बकाया था। आज मैं कह सकता हूं आज हमारी सरकार में 120 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चल रही हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हम लोगों ने जब प्रदेश के अन्य राज्यों की और दुनिया के तमाम देशों में चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी उद्योग तितर बितर हो गया, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ बिना डिगे बिना हटे बिना झुके अपनी चीनी मिलों को चला रहा है। 120 चीनी मिलें हम लोगों ने अब तक पिछले 6 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को सीधे ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 7 लाख